ये देखिए एक्सेस 125, ये है सुजुकी एक्सेस 125। इस सेगमेंट में इस स्कूटर को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसको कंपनी ने हाल ही में अपडेट किया है, जिसमें एक नया कलर लॉन्च किया है, ये देखिए, जो कि स्किन कलर में है और डुअल टोन में ये स्कूटर है। यदि आप अपने लिए इस सेगमेंट में एक बेस्ट स्कूटर सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में सबको डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इसकी तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। आइए बात करते हैं इसके कलर की। इसमें आपको मल्टीपल कलर मिल जाएंगे, सिंगल टोन में भी आता है, डुअल टोन में भी आता है, और ये कलर जो अभी कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है ये आपके सामने है। बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। इसका कर्व वेट 103 kg है, ग्राउंड क्लीयरेंस इसमें 160 mm का मिलता है और इसकी सीट हाइट 773 mm की है। इसकी लेंथ है 1870 mm की, विड्थ है 690 mm की, हाइट है 1160 mm की। इसमें व्हील बेस मिलता है 1265 mm का। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से देखते हैं। ये है इस स्कूटर की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इसकी राइट प्रोफाइल, ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिए हेड हैंडल ORVM का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, जो कि स्प्लिट है, ये देखना। इग्निशन के ऑन होते ही इसकी हेडलाइट जो है ये देखिए ऑन हो जाती है। टाइटन इंडिकेटर यहाँ पर ये देखिए हेलोजन बल्ब के साथ में है, एंड यहाँ पर ये DRLs मिल जाते हैं सेंटर में। यहाँ पर ये देखिए सुजुकी का लोगो मिल जाता है, डुअल टोन यहाँ पर मिल जाता है। ये देखिए फ्रंट मडगार्ड जो है वो फाइबर में मिलता है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट में 12 इंचेस का अलॉय व्हील ऑफर किया गया है। अलॉयज का पैटर्न जो है वो जिस तरीके का है, जो कि सिल्वर में है। बात कर लेते हैं टायर की, मैक्सिस कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के इसमें ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं, एंड फ्रंट टायर साइज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 90-90-12। बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, इसमें CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में 120 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ये देखिए निशान के कैलिपर्स मिलते हैं, एंड ये स्कूटर जो है आपको ड्रम वेरिएंट एंड डिस्क वेरिएंट दोनों में ही मिल जाएगा। ORVM इसमें क्रोम में मिलते हैं, ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त। एंड यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ब्लैक यहाँ पर रबर मिलती है। यहाँ पर ये देखिए डुअल टोन मिल जाता है, वाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन मिलता है। पैर रखने के लिए कुछ इतना स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पर ये देखिए एक बॉक्स मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ भी है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो एक USB-A पोर्ट मिलता है, चार्जिंग के लिए फ़ोन चार्ज कर सकते हो, एंड इग्निशन के ऑन होते ही इसकी लाइट भी हो जाती है, इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक फिक्स हुक मिलता है, एंड यहाँ पर ये एक फोल्डेबल हुक मिलता है। हैंडल का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है, ये देखो सभी फीचर बटन भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड लो बीम हाई बीम, उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर और उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच। राइट हैंडल पर यहाँ पर ये देखिए इंजन तेल स्विच, इंजन स्टार्ट स्विच मिलता है। इग्निशन को यहाँ पर ये प्लेस किया गया है, सेटर बटन मिल जाता है, दो चाबियाँ ऑफर की गई हैं, ये देखो। एंड यहाँ पर मैं ये चाबी को इंसर्ट कर देता हूँ। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर मिलता है इसमें, फ्यूल गेज मिल जाता है, ये देखिए बैटरी वोल्टेज देख सकते हो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिजिटल क्लॉक मिलती है, ये देखिए ब्लूटूथ पेयर मोड, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, और बाकी के सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं वो भी इसमें मिलते हैं। ये देखो बहुत सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है, सेंट्रल स्टैंड भी मिलता है, ये देखिए पिलियन फुट पैड। साइड पैनल का जो पैटर्न है तो जिस तरीके का है, ये देखिए एक्सेस 125 का यहाँ पर बैज मिल जाता है। राइट कनेक्ट एडिशन है और ये फाइबर में मिलता है। सिंगल सीट ऑफर की गई है, इसकी सीट जो है राइडर्स प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड इसमें काफ़ी अच्छी कुशनिंग का यूज़ किया गया है, काफ़ी प्रीमियम ये लग रही है। ग्रेविल का पैटर्न देखो कुछ इस तरीके का है, जो कि ग्रे कलर में है। ये देखिए लेडी फुट पैड मिलता है,
और इसमें किक स्टार्ट का भी फीचर दिया गया है। आइए वहां की बात कर लेते हैं जहां से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक समझे, स्कूटर के इंजन की। इस स्कूटर में कंपनी ने 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड फैन कूल BS6 फेस्ट वाला FI 4 स्टॉक 2 वाल्व सुजुकी कंपनी का स्कूटर सेगमेंट में बेस्ट क्वालिटी का इंजन दिया है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.6 BHP 6750 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10 न्यूटन मीटर का 5500 RPM पर। इसके इंजन से ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर भी अच्छा है, टॉर्क भी अच्छा है और इसी के साथ साथ ये माइलेज भी ठीक ठाक दे देता है। माइलेज के बारे में आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। रियर में 120mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है एंड रियर वाला जो व्हील है वो 10 इंचेस का मिलता है। मैं आपको पहले टायर साइज दिखा देता हूँ, उससे पहले कंपनी दिखा देता हूँ। भाई कंपनी कहाँ की है, मैक्सिस का ही होगा। ये देखिए मैक्सिस कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है एंड टायर साइज है, ये देखा दिख रहा है आपको 90-100-10। ये देखो रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। ये है इसकी प्रॉपर रियर प्रोफाइल। ये देखिए फ्यूल कैप यहाँ पर दिया गया है, इसमें 5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। टेल लाइट देखो हेलोजन बल्ब में है, साइड टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब में है, नंबर प्लेट लाइट ये देखती है, टेल लाइट ही काम कर देती है, एक रिफ्लेक्टर मिलता है। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, E20 का सपोर्ट देखिए। राइट पैनल पर ये देखो एक्सेस 125 राइट कनेक्ट एडिशन, SEP को मेंशन किया है, सुजुकी इको परफॉर्मेंस। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, सिंगल मफलर मिलता है जो कि मेटल का है, क्रोम में है, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है, ये देखिए राइडर फुट पैड। आइए अब मैं आपको इसकी सीट ओपन करके दिखाता हूँ, उसके लिए सिंपली यहाँ पर लेफ्ट करना होगा। ये देखिए अंडर सीट स्टोरेज कुछ इतना मिलता है, आराम से मीडियम साइज का जो हेलमेट है आराम से आ जाएगा। ये देखो लेकिन इसमें कोई भी LED लाइट नहीं मिलती है भाई। इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुनते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। सिंगल अटेंप्ट में स्टार्ट हो जाता है, इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, इंजन किल स्विच। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा RDB सुजुकी को जिन्होंने यह स्कूटर मुझे प्रोवाइड किया है। इनका ये शोरूम दिल्ली में ओखला में अवेलेबल है। यदि आपको सुजुकी का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए वो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके प्राइस, वैल्यू, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। इस सुजुकी कंपनी अपनी इस नई स्कूटर पर 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 24,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो 45-50 के आसपास ये निकाल कर दे देगा, फिर वो राइडिंग पर डिपेंड करता है, रोड कंडीशन पर डिपेंड करता है और स्कूटर की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। बात कर लेते हैं इसके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में भी आता है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है राइट कनेक्ट एडिशन है, इसका टॉप एंड वेरिएंट है। इसकी एक्सरूम प्राइस है 90,000 और ये स्कूटर ऑन रोड लगभग आपको 1,08,000 के आसपास मिल जाएगा। प्राइस का आपके वर्ल्ड ऑफ आइडिया ही माने, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। आइए बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की। हेडलाइट इसमें LED में मिलती है, इसका लुक जो है इस सेगमेंट में सबसे हटके है एंड इसी के साथ साथ डोल टोन में ये मिल जाता है। एक यहाँ पर USB ए पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें फ़ोन रख के चार्ज कर सकते हैं। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है एंड इसमें E20 का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से ये स्कूटर जो है फ्यूचरिस्टिक भी हो गया है। कॉन की अगर बात की जाए तो मुझे इसमें ऐसे कुछ भी खास कॉन नहीं लग रहे हैं जिसकी वजह से आप इसको अवॉइड कर सकें। इसकी मैं प्रॉपर राइड भी करने वाला हूँ और इसके साथ में जो भी मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। यदि मुझे उसमें कुछ भी कॉन लगेगा तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। उसके लिए आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेक्निकल SST इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ओवरऑल जो सुजुकी कंपनी इसमें जो पैकेज दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ये स्कूटर मैं आपको 100% रेकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस
जी हाँ भाई, इम्पोर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।